नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। हफ्ता मोहब्बत और मोहब्बत की इजहार का है और जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइज्ड और मॉडर्न होती जा रही है, वैसे वैसे प्यार भी पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। और ये डिजिटल प्यार आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, हम पेटीएम के ऐड की बात कर रहे हैं, जिस ऐड में एक लड़का एक लड़की को डेट पे ले जाता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं, जिसे देखते हुए उसके पापा उसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और हर कोई उसके सोसाइटी में, चाहे उसके फ्रेंड्स हो या नेबर्स हो, मम्मी पापा हो या फिर कोई भी हो, हर कोई उसे यही कहता है कि किसी अच्छी जगह पर ले जाना। उसके बाद यह ऐड शुरू हो जाता है। यह ऐड कई मायनों में बेहद दिलचस्प और बेहद खास भी है। प्यार को एक नए तरीके से पेटीएम ने इस ऐड के द्वारा पेश किया है। क्या है इस ऐड में, क्या खास है, कितनी दिलचस्प बातें हैं इस ऐड में और पेटीएम ने इस बार क्या कुछ खास किया है वैलेंटाइंस वीक पे, आप देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से। आपने इन तस्वीरों के माध्यम से देखा कि कैसे हर कोई उस लड़की की मदद करता है, चाहे वो उसके स्कूल टीचर हो या फिर उसके नेबर्स हो, उसके फ्रेंड्स हो या उसके मम्मी पापा हो। और इस ऐड में दो लाइन्स के जो बोल है वो बेहद ही खूबसूरत भी हैं, और वो ये है कि पहले से हम करीब आ रहे हैं, दिल से हम अमीर हैं। दरअसल वैलेंटाइंस वीक 2022 के मौके पर डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपना एक ऐड वीडियो रिलीज किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फरवरी में वैलेंटाइंस वीक हर एक कपल के लिए बेहद खास होता है। ऐड में डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपना एक ऐड वीडियो रिलीज किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। लोगों के तरफ से काफ़ी तरह तरह के कमेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। लोग इस ऐड को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ काफ़ी मीम्स भी क्रिएट कर रहे हैं लोग इस ऐड को देखने के बाद। लोगों का ये कहना है कि आखिर कहाँ मिलते हैं ऐसे पेरेंट्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे नेबर्स और ऐसे स्ट्रेंजर्स जो हर कदम पर आपकी मदद करते हैं, जो हर कदम पर आपकी खुशियों को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों यूजर्स ने इस पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या खास है वैलेंटाइंस वीक पर रिलीज किए गए पेटीएम के इस वीडियो में। दरअसल पेटीएम ने वैलेंटाइंस वीक के पहले दिन यानी 7 फरवरी को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, दिल के अकाउंट से पेटीएम करो। 3:17 के इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे पेटीएम के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर चीज़ें आसान हो जाती है। पेटीएम के इस वीडियो को एक कपल पर फोकस करके बनाया गया है, जिसमें एक के बाद एक तमाम लोग कपल को पेटीएम से पेमेंट कर उनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो के शुरू में युवक को उसके पेरेंट्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए पैसे देते हैं। हजारों यूजर्स ने वीडियो पर काफ़ी रिएक्ट भी किया है। किसी ने लिखा है, सच अ ब्यूटिफुल ऐड बट आई वंडर वेयर सच फैमिलीज फ्रेंड्स एंड नेबरहुड एग्जिस्ट। वैलेंटाइंस वीक पर रिलीज किए गए पेटीएम के इस वीडियो पर यूजर्स ने तरह तरह की रिएक्शंस दी हैं। किसी को यह वीडियो बेहद दिलचस्प लगा तो किसी को बनावटी। एक यूजर ने लिखा, वीडियो में क्रिएटिविटी और इमोशनल टच है। तो एक अन्य यूजर ने लिखा, कौन से घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के पैसे देते हैं। एक यूजर प्राची राठी ने लिखा है, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल टच बाय पेटीएम। I wish this could happen in reality, but you won hearts of many with this ad. एक यूजर ने इसे ड्रीम वर्ल्ड का एक वीडियो बता दिया, तो एक ने कहा, कहाँ किस फैमिली में ऐसा होता है भाई। एक यूजर ने कहा, अगर मैं घर वालों से डेट पर जाने के पैसे मांग लूँ तो वो मुझे घर से निकाल ही देंगे।
पेटीएम के इस डिजिटल लव वाले ऐड को देखने के बाद काफी यूजर्स ने इस पर काफी तरह के रिएक्शंस दिए हैं, कमेंट्स किए हैं। हर किसी को ये वीडियो काफी पसंद भी आ रहा है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पेटीएम ने यह वीडियो जारी किया है और हर किसी को लोग शेयर करते हुए इस वीडियो को नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और ये वीडियो भी काफी प्यारा सा है। इसे आप देखिए और आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद या इस खबर को जानने के बाद आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।